हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ एक नया व्लॉग, और आज की रेसिपी है दादी माँ की पोटली से एक नई रेसिपी निकाल के मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे है इलिश मांस का झाल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है जीरा, जो कच्चा जीरा है वो मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है। और यहाँ पे हम इलिश मांस को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये नमक दे दिया है मैंने, और उसी के साथ हम यहाँ पे डाल देंगे हल्दी, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और बाय चांस, बाय लक, हमें इस बार इलिश मांस जमाई षष्ठी पे इतनी अच्छी मिल गई थी, इतनी अच्छी क्वालिटी की, नहीं तो ये बारिश के अलावा बिल्कुल भी, बाकी टाइमों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती। जो बारिश का टाइम रहता है, जुलाई टू अक्टूबर जो ये टाइम रहता है ना, उस टाइम पे ही ये फिश जो है वो अच्छी क्वालिटी की मिलती है। तो आज जब बाई चांस बाई लक अच्छा मिल गया है, तो भी ये रेसिपी भी बन रही है और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और लाल मिर्च का पाउडर दे दिया। ये आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको यूज़ नहीं करना है लाल मिर्च का पाउडर, पर हमारे घर पे थोड़ा सा स्पाइसी लेवल खाना पसंद करते हैं नॉनवेज में, तो इसलिए मैंने ये ऐड किया है। तो यहाँ पे ये इसे अच्छे से मैंने ऐड कर लिया है, मिक्स कर लिया है, ऐड किया, मिक्स कर लिया है। और फिर उसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी जो मैंने जीरा पीस लिया था सिलबट्टे पे, कच्चे जीरे को। तो वो थोड़ा सा जीरे का जो मसाला है वो ऐड कर लूंगी इसमें, मैरिनेट कर लूंगी फिश को उसके साथ। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड में मम्मी खड़ी है, वो देख रही है कि मैं ये कैसे बना रही हूँ, क्योंकि फिश की रेसिपी है। मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि बता दो कि कैसे क्या बनाना है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी उल्टा फुल्टा हो जाए तो खराब हो जाती है रेसिपी। पर नहीं, वो खड़ी रहती हैं, वो बोलती हैं और मैं वैसे फिर बना लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर जाती हूँ वही सब रेसिपीज। तो यहाँ पे फिर मैंने ले ली है कढ़ाई, और अब हम इसमें डाल देंगे काला जीरा जिसे हम कलौंजी कहते हैं, और उसके साथ हरी मिर्च, और अब इसके साथ हम डाल देंगे जो कच्चे जीरा जो पीसा था, जीरे का पेस्ट। और अब इसे पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, माने 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए हम इस जीरे को अच्छे से भून लेंगे। और एकदम कम आंच रखना है अपने गैस का, एकदम लो फ्लेम। और जब ये थोड़ा मसाला भून गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो मैरिनेटेड फिश थी उसको, और दोनों साइड से फिश को अच्छे से मैंने हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे इसी पेस्ट में। जैसे एक साइड से हल्का हो गया है, तो देखिए मैं अभी इसे पलट दे रही हूँ, ये एक साइड से हो गया, अब दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे, मैंने हल्का फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा क्योंकि वेद उठ गया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि एडिट के टाइम पे आपको ऐसा सुनाई दे रहा है। तो बैक टू रेसिपी, यहाँ पे अब हम लोग इसमें 2 कप्स अराउंड पानी डाल देंगे, और मैंने गर्म पानी ही यूज़ किया है क्योंकि मुझे फिश का फ्लेवर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है इस वजह से। तो गर्म पानी दे दिया है 2 कप, और अभी इसमें उबाल आ गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नमक यहाँ पे कम है, तो अब मैं इसमें दे देती हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। और उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि कच्चा तेल इज मस्ट, मस्टर्ड ऑयल का जो कच्चा तेल का फ्लेवर है, उससे झाज है, वो बहुत ही अच्छा आता है। और हम इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए ढक के रख देंगे। ढकने के बाद 5 से 7 मिनट इधर यहाँ पे हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं ग्रेवी एकदम सेमी ग्रेवी जैसी चाहिए वैसी ही, और बहुत ही कम मसाले तो है नहीं, जो हमारे बेसिक से मसाले है वही और कच्चा जीरा। और आप इलिश की जगह और भी कोई फिश यूज कर सकते हैं, जैसे है कातला, रुई, ये भी यूज कर करके ये रेसिपी बना सकते हैं, तो जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 पिंच घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और अब मैं इसे प्लेट आउट कर लेती हूँ, एक मैंने लंबी सी डिश ले ली है स्टील की, और अब मैं इसमें इसको प्लेट आउट कर लेती हूँ,
और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप लोग ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए इस तरह से जैसे मैंने शेयर किया है, कम मसालों के साथ हल्की रेसिपी, बहुत ही अच्छी भी लगती है खाने में। डेली डेली तो ज़्यादा रिच खाना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है, तो आप ये बना के देख सकते हैं, एक बार ट्राई करके देख सकते हैं इस रेसिपी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, वंस अगेन बोल रही हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ।